नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक 37.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 6.94% का अपमूव दिया है आज। इस स्टॉक को हम HCC के नाम से जानते हैं। मार्केट कैप है इसकी 6341 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 18.60% है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है -3.90। डिविडेंड ये स्टॉक देते हैं फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे मिला है 50 DMA को प्राइस की लाइन में, गोल्डन क्रॉस दिया है जो कि काफी अच्छा साइन होता है। एंड हमारा पहले भी पैटर्न देखा गया कि जब ये गोल्डन क्रॉस देता है तो उसके बाद हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, हमें मूव मिले, फिर इसने गोल्डन नीचे चला गया, डेथ क्रॉस दिया, अब गोल्डन क्रॉस दे रहा है। होपफुली काफी अच्छे मूव मिलेंगे। तो पी की बात करें तो पी मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमेशा से इसी लाइन में रहा है, तो 80 से नीचे नहीं, 80 से ऊपर ही है, तो अभी के लिए ठीक है। बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो रही है लास्ट 4 क्वार्टर से। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, आज हमें काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमने सारी यहाँ पे एंट्री हटा दी थी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबकी, क्योंकि वॉर की न्यूज के चलते हमने बात करी थी कि इसके ऊपर एक बार ये निकलेगा तो हम एंट्री बना सकते हैं, या फिर लाइव मार्केट में अगर कुछ हमें ऐसा मूव दिखता है तो हम एंट्री बना सकते हैं। तो अभी के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंट्री लेके चल रहे हैं। एक बार पहले BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए, SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है ये, एंड प्राइस बैंड इसका 10% का है। न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके की कोई मदद करेगी। न्यूज पेपर पब्लिकेशन की न्यूज है और ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है, तो बेसिकली इतना कोई वो इसकी बात नहीं है। ये बेसिकली जो न्यूज है वो सारे ये न्यूज़पेपर में, वो जो हमारा राइट इशू यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ था, काफी अच्छे तरीके से राइट इशू को यहाँ पे रिस्पांस मिला, बेसिकली उसकी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है। इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गई थी, मैंने कहा ये कब आया रिजल्ट, बट ये ऐसा कुछ है नहीं, किसी और का है। तो अभी के लिए देखे हम तो कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जिसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। अभी के लिए स्ट्रॉन्ग बाई क्या ऑफकोर्स बनता है। ये अभी ना बिल्कुल उस रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है जो कि इसका काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है रेजिस्टेंस का। ये जो है 37 से लेके 38 तक, ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका रेजिस्टेंस है। पूरी रेंज ही इसके रेजिस्टेंस की है। तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट लेके फिर करे, क्योंकि यहां से अगर ये निकलता है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रिवर्सल भी लेता है, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे क्योंकि रेंज शिफ्ट का भी है, तो रेंज शिफ्ट की वजह से वो भी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि थोड़ा सा हमें वो कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एंड वैसे भी न्यूज कोई ऐसी आ गई तो थोड़ा सा उसमें हो भी जाता है दिक्कत। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की एंट्री, बिल्कुल मेजर शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं नहीं लेके चलूंगी यहाँ पे, मैं थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की एंट्री लेके चल रही हूँ। मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 15 May तक की एंट्री। ये वैसे मुझे लगता है कि ये मंथ के एंड तक, इस मंथ के एंड तक हो जाने चाहिए टारगेट अचीव, क्योंकि इतने कोई बड़े नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई, थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन हुई, क्योंकि निफ्टी भी अपने उस पॉइंट पे है जहां पे उसको रेजिस्टेंस एंड बाकी सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चले। ये वाली जो रेजिस्टेंस रहेगी ना 39.85 की, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, तो भी मैं ये लेके चली। हो सकता है पहले अचीव हो जाए, बट 15 May तक का मैं टारगेट लेके चलूँ कि यहाँ तक हो सकता है हमें ट्रेड करता हुआ दिखे। और दूसरी बात है, अगर रिजल्ट आ जाता है, बीच में अनाउंस हो जाता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रख के हमें थोड़े से हो सकता है इम्प्रोवाइज करने पड़े टारगेट, ठीक है। एंड उससे ज्यादा की एंट्री मैं अभी नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं, तो अभी मैं जून की एंट्री लेके चलूंगी। क्योंकि कुछ स्टॉक होते हैं जिनका थोड़ा सा पता होता है कि क्या कर रहे हैं वो, तो हम लंबी एंट्री लेके चलते हैं। बट अभी थोड़ा सा रिजल्ट आ जाए उसको देख लें, तो हो सकता है कंसोलिडेट हो, अगर रिजल्ट अच्छा ना आए, या अच्छा आ जाए तो हो सकता है बढ़ जाए। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही हम मेजर लॉन्ग टर्म की एंट्री लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम आया है 19.50 मिलियन का NSE पे, एंड पहले आया था 9 मिलियन का NSE पे, तो वॉल्यूम जंप तो काफी अच्छा देखा गया, डबल से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम मूव कुछ देख सकते हैं, कलेक्शन कुछ देखने को मिल सकता है, ज्यादा नहीं तो। मुझे लगता है ये वाली रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है इसकी, ज्यादा नहीं तो हो सकता है कि 5% के आसपास हमें देखने को कल मिले। ये वाली रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग है। तो बेसिकली ये जो एरिया है ना, यहाँ से 37 से लेके 40 तक, ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है। एंड ये पहले भी हमने वीडियोस में बात करी है कि ये पूरी रेंज ही ना काफी ज्यादा रेजिस्टेंस वाली है, तो इसमें थोड़ा सा हमें सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। रेस्ट आप अपने एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।
हाय। सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली हम मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना, इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा। जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके। एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है, कैसे आप एनालाइज करते हो तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीजें, एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडल स्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफकोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडल स्टिक पैटर्न में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, एंड वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे एएसएम लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, उसमें अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी, तो इंट्राडे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को ना मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ
जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, किन, कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे फ्री मैं थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में, जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो, उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता ना कि होमवर्क रहेगा आपका, कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।